हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। एंड स्टूडेंट्स, आपको क्या ध्यान रखना है इन क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में कि आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, कीवर्ड्स की नोट्स आपको याद रहते हैं या नहीं, बुलेट पॉइंट्स से आप गो थ्रू करते हैं या नहीं ऑन अ डेली बेसिस। बिजनेस स्टडीज लगता तो ईजी सब्जेक्ट है बट है नहीं। जब मार्क्स आते हैं तो मार्क्स बहुत सारे डिडक्ट हो जाते हैं जब आपके आंसर्स एग्जामिनर को जनरल लगते हैं। सो हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारे इन जनरल आंसर्स को हमें क्या बनाना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना है बाय द यूसेज ऑफ करेक्ट बुलेट पॉइंट्स व्हिच आर रिटन इन बुक्स, बाय मेमोराइजिंग देम ऑन अ डेली बेसिस। यस, रटना पड़े तो रटो भी, बट बुलेट पॉइंट्स एज इट इज जो बुक में लिखे हैं वो लिखना ही पड़ेगा। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। एंड स्टूडेंट्स, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑन दिस चैनल, दैट इज द इंग्लिश मीडियम चैनल फॉर CBSE बोर्ड फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम 6 टू 12 फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है यू हैव टू रिपोर्ट टू अस इन द कमेंट बॉक्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स जो है वो भी अवेल कराई जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट, वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। आपको क्या करना है, हम इन सारे प्लेटफॉर्म से फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आई होप कि मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल आप सबसे फेमिलियर हैं एंड आप सबको एक्सेस करते हैं टाइम टू टाइम टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ओवर आवर कोर्सेज विच आर इन हाई क्वालिटी एंड आप अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स डिस्कस मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब ये तो आप सबका फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, यस और नो स्टूडेंट्स? सो मैस्लोज हायरार्की जो है वो आपको एकदम क्लियर होगी, ठीक है? अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्लो चार्ट है, ध्यान दीजिए, ये वाली फ्लो चार्ट, यही मैस्लो हायरार्की है। हमेशा जब भी मैस्लोज हायरार्की आती है, अगर आपने इसमें से एक भी शब्द मिस कर दिया क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है? तो फर्स्ट आता है साइकोलॉजिकल नीड्स, सेकंड आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड आता है बिलोंगिंगनेस, ठीक है? फिर उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स, फिर उसके बाद आता है एक्चुअलाइजेशन। अब इसको याद कैसे करना है, साइकोलॉजी से बहुत इफेक्टिव असर होता है, कैसे याद करना है, साइकोलॉजी से बहुत इफेक्टिव असर होता है। फिर से बोलिए एक बार, साइकोलॉजी से बहुत इफेक्टिव असर होता है। तो साइकोलॉजी का जो पी है उससे आ जाएगा अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स, से का जो एस है उससे आ जाएगा सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, बहुत का जो बी है वो आ जाएगा बिलोंगिंगनेस, फिर इफेक्टिव से आ जाएगा अपना एस्टीम नीड्स, इफेक्टिव के ई से, फिर ए से असर से आ जाएगा एक्चुअलाइजेशन। तो एक्चुअलाइजेशन याद आएगा तो सेल्फ वर्ड भी ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? ये याद करने का तरीका है इस हायरार्की को। अब आते हैं आंसर कैसे लिखना है। सो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी हेल्प्स टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स फेनोमिनन ऑफ मोटिवेशन। तो मैस्लोज की जो हायरार्की है वो किसके लिए है, मोटिवेशन के लिए है। मोटिवेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनोमिनन है, उसके लिए ये हायरार्की बनी है। अब ये किसने दी थी, अब्राहम मैस्लो ने दी थी, नाम लिख दो तो भी अच्छा होगा, नहीं लिखो तो इट्स ओके, ठीक है? थोड़े से मार्क्स हो सकता है डिडक्ट हो जाए, अकॉर्डिंग टू मैस्लो। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, ठीक है? अगर आपको याद आता है तो, नहीं तो मैंने सिर्फ मैस्लो भी लिख के रखा है। सो ईच पर्सन हैज सेट ऑफ 5 नीड्स, हर व्यक्ति की 5 नीड्स होती हैं जो कि एक हायरार्की में अरेंज्ड है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज एड्स द मैनेजर इन अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर। अब एप्रोप्रिएट मोटिवेशन प्रोवाइड किया जा सकता है एम्प्लॉइज को उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो इन 1943। ये लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी दी थी स्टूडेंट्स अब्राहम मैस्लो ने 1943 में, एंड इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। ये किस पर बेस्ड है, ह्यूमन नीड्स पर, ठीक है? इतनी बात क्लियर। अब आप बोलोगे मैम कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो लर्न करना है, ये पर्टिकुलर लाइन है ना, ये थ्योरी दी थी अब्राहम मैस्लो ने। ये थ्योरी में क्या है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस मैस्लो ईच एंड एवरी पर्सन हैव अ सेट ऑफ 5 नीड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ एम्प्लॉय एड्स द मैनेजर इन, ये वाली लाइन मत लिखना, बस यहाँ तक हायरार्की तक लिखना। तो ये जो दो शब्द हैं, दो लाइन्स हैं सॉरी, ये क्या है, आपकी की लाइन्स हैं।
अब आपका कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये आपका कीवर्ड है, बुलेट पॉइंट समझ लो या कीवर्ड बोलो। तो ये अगर नहीं लिखोगे तो आंसर हो जाएगा एकदम जनरल और मार्क्स हो जाएंगे कम। ये आपको याद करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, सो मेरे साथ एक बार बोलो, अब्राहम मैस्लो ने थ्योरी दी थी 1943 में, ठीक है। इस थ्योरी का नाम था मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बोला कि हर एम्प्लॉय की 5 नीड्स होती हैं जो कि एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इतनी बात क्लियर है आपको? नाउ आगे बढ़ते हैं अजम्पशंस की तरफ। सो सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, अब मैस्लोज हायरार्की थ्योरी के अजम्पशंस क्या हैं? अज्यूम करो कि लोगों की जो सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, वही उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं। नीड्स हायरार्कियल ऑर्डर में, ऐसे अज्यूम कर लो, ठीक है। एक बार एक नीड सेटिस्फाई होती है तो ही आगे वाली नीड सेटिस्फाई होती है, ऐसा भी अज्यूम कर लो। आप डायरेक्ट एकदम से ऊपर नहीं बढ़ सकते। अब ये भी अज्यूम करके चलो कि सेटिस्फैक्शन ऑफ लोअर नीड्स मोटिवेट्स टू मूव द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। आप 5 लेवल ऊपर की नहीं सोचो, आप 1 लेवल ऊपर की सोचो, ऐसा मैस्लो जी बोलते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में रियल लाइफ में थोड़े से कंट्राडिक्शंस हो सकते हैं इस थ्योरी के। अब हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है? सो अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, एम्प्लॉयज नीड्स एंड वॉन्ट कैन बी कैटेगराइज एज अ हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम नीड्स एंड एक्चुअलाइजेशन। साइकोलॉजी से बहुत इफेक्टिव असर होता है, ठीक है। साइकोलॉजी के पी से क्या आएगा? साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो कुछ बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो हर एम्प्लॉय को चाहिए होती है, हंगर थर्स्ट शेल्टर स्लीप। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स में उसको क्या चाहिए होता है? कि मेरी जॉब टिकी रहे, ऐसा नहीं कि जॉब बार बार चली जाए। तो जॉब सिक्योरिटी किस में आता है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। एफिलिएशन, सोशल बिलोंगिंगनेस, मुझसे मेरे कलीग्स बात करें, मेरे से लोग पूछें, मेरे साथ बैठ के खाना खाएं, ये होता है बिलोंगिंगनेस नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पर अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और फ्रेंडशिप चाहिए होती है एम्प्लॉय को, हर एम्प्लॉय को चाहिए होता है, उससे ऑफिस में सब अच्छे से बात करें, ठीक है। वो किस में आता है स्टूडेंट्स? बिलोंगिंगनेस नीड्स में, ये मैस्लो ने बोला। अब इसके बाद एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड्स, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, ये नहीं दोगे तो मैं छोड़ के चले जाऊंगा, ये होती है एस्टीम नीड्स। फिर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब एस्टीम नीड्स यानी रिकॉग्निशन मिल गया, फ्रीडम मिल गया, उसके बाद चाहिए कि मेरा ये सपना है कि मैं इस कंपनी का CEO बनूं, ये हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मुझे कहाँ पहुँचना है। नीड्स दैट ड्राइव टू रियलाइज अ ड्रीम। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड इज यूज्ड एज अ फाउंडेशन फॉर मोटिवेशन बाय मैनेजर्स। हाउएवर ये पॉसिबल है कि इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं वो एग्जैक्ट ऑर्डर हायरार्की में ना हो, नॉनथलेस अंडरस्टैंडिंग मैस्लोज हायरार्की असिस्ट मैनेजर्स इन प्रैक्टिसिंग इफेक्टिव मोटिवेशन। अब स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग मुझसे कंट्राडिक्ट करते हो कई बार कमेंट बॉक्स में कि मैम जैसे कोई पर्सन है वो एम्प्लॉय है, उसने अभी उसकी नीड है कि उसको चाहिए रिकॉग्निशन, स्टेटस, पैसे, ऑटोनॉमी, फ्रीडम, अभी उसका कोई सपना नहीं है। उसने शेयर मार्केट में पैसे लगाए, वो बहुत अमीर हो गया, ठीक है, उसका सपना उसने अचीव कर लिया पैसे से, ठीक है, उसको खरीदना था क्रूज, ठीक है, उसने खरीद लिया क्रूज। अब आप बोलोगे मैम ये तो डायरेक्ट जंप हो गया। डायरेक्ट कहाँ जंप हुआ, पहले रिकॉग्निशन में था फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ गया। बट मान लो कि अभी इंसान बहुत ही गरीब है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान सिर्फ इतना ही वो अफोर्ड कर पा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स उसकी पूरी हो रही है, है ना, एटलीस्ट किसी से मांगना तो नहीं पड़ रहा। बट अचानक से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके वो अमीर हो जाता है, डायरेक्ट वो बहुत बड़ा अपना सपना पूरा कर लेता है। तो पहली नीड से एकदम जंप मारा फिफ्थ नीड पर। इसलिए मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की कई बार कई सिचुएशंस में फॉल इन नहीं करती है, कुछ सिचुएशंस में तो बेस्ट है, मैनेजर्स को गाइड भी करती है कि अच्छा एम्प्लॉय का अब ये सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव हो गया तो अब नेक्स्ट इसको क्या चाहिए होगा, तो मैनेजर्स को पता होता है। बट कई बार एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव अलग होने की वजह से चीज़ें डिफर कर जाती हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस नॉट ऑलवेज बी इन हायरार्की। नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड डू लेट मी नो अगर कोई भी डाउट्स आते हैं। तो क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम देम। अब बहुत सारे कॉमन बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो क्या हैं आपको वो बताना है, एंड उन बैरियर्स को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो वो भी बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो समटाइम्स इंफॉर्मेशन डज नॉट रीच द इंटेंडेड रेसिपिएंट। कम्युनिकेशन आईसी क्यों हो रहा है जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, बीच में कोई भी चैनल है उसके थ्रू। अब
जब वो बात पहुंची नहीं वहीं लग गया बैरियर, और वो बैरियर कितनी वजह से लगता है वो देखेंगे, ठीक है। सो समटाइम्स इंफॉर्मेशन डज नॉट रीच द इंटेंडेड रेसिपिएंट इन द मैनर इंटेंडेड बाय द सेंडर, दैट इज देयर आर टाइम्स व्हेन इंफॉर्मेशन इज मिसअंडरस्टूड, मिसइंटरप्रिटेटेड एंड इट इज पास्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दिस ऑब्स्ट्रक्ट्स द इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आंसर का जो पहला पैराग्राफ है उसमें आपको ये समझाना है कि बैरियर आखिर लगता क्यों है, ठीक है, अपनी भाषा में समझा सकते हो आप इसे। नाउ कम्युनिकेशन बैरियर्स किस प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। तो सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, जब हम गलत शब्दों का यूज कर लें, बॉडी लैंग्वेज अलग हो, बोलना कुछ और चाहते हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, ठीक है। यानी कि किसी को बोलना है बहुत प्यार से एंड ऐसे दिखा रहे हैं कि उससे तो हम थक चुके हैं, ठीक है, आईज रोल कर रहे हैं उसके सामने एंड उसको बोल रहे हैं बाय, इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज है ये सब बहुत गलत हो जाती है एंड ये समझ में आता है कि कम्युनिकेट कुछ और करना चाहते थे, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, ठीक है। तो सिमेंटिक कम्युनिकेशन बैरियर्स आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, सर्टेन वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस मे रिमेन एम्बिगुअस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट टाइम। एम्बिगुअस मतलब नॉट क्लियर, वेग, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे आर प्रोन टू बींग मिसइंटरप्रिटेटेड, सिमेंटिक बैरियर्स आर कम्युनिकेशन बैरियर्स डैट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब नॉट क्लियर, और डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल जब हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सीनियर स्पेशलिस्ट में यूज टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जैसे बोल दिया सबमिट दिस बाय ईओडी, अब सामने वाला सोच रहा है ईओडी का मतलब क्या है, एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो कई बार टेक्निकल जार्गन्स होते हैं जिसकी वजह से दिक्कत आती है। द सबऑर्डिनेट में फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सिमिलरली व्हेन टू और मोर वर्ड्स हैव द सेम प्रोनंसिएशन, जैसे आई डी एल ई और आई डी ओ एल दोनों प्रनंस से एक से होते हैं, है ना, आइडल आइडल, बट दोनों का मतलब तो अलग है, ठीक है। जैसे गणपति जी की मूर्ति को बोलते हैं आइडल, ठीक है, गणेश आइडल, यानी कि आई डी ओ एल, और आई डी एल ई का मतलब क्या होता है, ये देखो ही सिटिंग आइडल, खाली बैठा है, ये दोनों के मतलब अलग हैं बट प्रोनंसिएशन सेम है, ठीक है, स्पेलिंग भी अलग है। इट कॉजेज कन्फ्यूजन अबाउट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड, है ना, इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन होती है। ये क्या हो गए, सिमेंटिक बैरियर्स, आई होप आपको ये याद होगा। नाउ साइकोलॉजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फियर कैन ऑब्स्ट्रक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कई बार गुस्सा, डर और फ्रस्ट्रेशन, इन तीन चीजों की वजह से क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल बैरियर। एग्जाम्पल देखो, एन इंडिविजुअल्स माइंड मे बी प्री ऑक्यूपाइड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन विद अ पर्टिकुलर मैटर एंड ही मे बी अनेबल टू ग्रैस्प द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हिम अटेंटिवली, सिमिलरली ड्यू टू प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट अ कन्वर्सेशन इंडिविजुअल मे ड्रॉ कंक्लूजन बिफोर द इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली पास्ड। अब मैंने आपको इसका आपको एक एग्जांपल दिया था, हाँ ना, स्टूडेंट्स की एक मीटिंग हो रही थी, उसमें एक एम्प्लॉई को बहुत बुरा डांट दिया, उसने बेचारे ने 3 दिन लगातार मेहनत की, सोया भी नहीं और घर भी नहीं गया, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के लिए, और प्रोजेक्ट में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, बहुत बुरा डांट दिया, ठीक है। तो एम्प्लॉई को ऐसे लगा दैट माई मैनेजर डजंट वैल्यू मी, इतनी पंचायत करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद ये सुनना पड़े तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअली में मैनेजर ने उसको वर्क के लिए नहीं डांटा था, इसलिए डांटा था बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग इन द मीटिंग, और उसने अपने मन में क्या बना लिया, उसने अपने मन में ये बना लिया कि मेरे काम क्वेश्चन हो रहा है, हाउ डेयर ही कैन क्वेश्चन माय वर्क, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है, हम अपने मन में गुस्से की वजह से, फियर की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से चीज़ों को पहले से ही अपने मन में बिठा लेते हैं और हम सुनने की कोशिश ही नहीं करते सामने वाले को कि वो कह क्या रहा है, हमने उसके मन में पहले से ही नोशन बना लिया कि ये तो घटिया आदमी है, ठीक है। फिर तो ऐसा होता है या नहीं, तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, और यही आपको एग्जाम्पल में समझाया गया है। एग्जाम्पल आप अपने मन से लिख सकते हो, जो एग्जाम्पल चाहो, बट लैंग्वेज का करेक्ट यूज करना। नाउ पर्सनल बैरियर्स, अब पर्सनल फैक्टर एसोसिएटेड विद द सेंडर और रिसीवर कैन समटाइम एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर्स फ्रीक्वेंटली डू नॉट शेयर इन्फॉर्मेशन दैट दे फियर विल जियोपार्डाइज देयर अथॉरिटी, ठीक है। तो सुपीरियर कोई भी जो ऊंचे पद पे होता है ना, वो कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता जिससे उसका पद खतरे में आ जाए, ठीक है, यानी उसकी पोजीशन फॉल्टी हो जाए, ठीक है। नाउ सिमिलरली इफ दे लैक देयर ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट दे मे बी अनविलिंग टू लिसन टू द इन्फॉर्मेशन दे प्रोवाइड, है ना। नाउ सिमिलरली सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, उनके पास मोटिवेशन नहीं होता कि हम डायरेक्टली जाके सुपीरियर से बात करें, जिसकी वजह से वो लोग बात ही नहीं करते, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हैम्पर होता है पर्सनल फैक्टर्स की वजह से। मतलब दोनों ने अपने मन में बिठा लिया है कि अगर
सुपीरियर सोच रहा है मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की तो हो सकता है मेरी वैल्यू कम हो जाए, सबऑर्डिनेट सोच रहा है जाऊं या नहीं जाऊं, समझ नहीं आ रहा जाऊंगा तो सर बुरा तो नहीं मान जाएंगे, ये सब होता है पर्सनल बैरियर्स में। समझाया था कि नहीं मैंने? तो ये हो गया अपना पर्सनल बैरियर्स। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब कई बार ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट होता है, आपको अगर सीईओ से बात करनी है तो एक एम्प्लॉय डायरेक्ट नहीं जा सकता, पहले जाओ अपने मैनेजर के पास, फिर वो जाएगा एमडी के पास, फिर एमडी जाके आपसे सीईओ से बात करवाएगा, इतनी बड़ी चेन, तो बैरियर है कि नहीं? नाउ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन अराइज इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स ड्यू टू सच एस अथॉरिटीज रूल्स रेगुलेशंस रिलेशनशिप्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, वर्टिकल कम्युनिकेशन का लिख लो, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस लॉन्ग वर्टिकल कम्युनिकेशन चेन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन मे बी डिलेड। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि फ्री कम्युनिकेशन नहीं होता, टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरे डिसीजन लेती है एंड ये प्रॉब्लम बहुत ही इजीली दिखाई जाती है। अब ओवरकम कैसे करना है इन बैरियर्स को, हमें पता तो चल गया कि बैरियर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट कौन सा है? स्टूडेंट्स, सिमेंटिक। सेकेंड कौन सा है? साइकोलॉजिकल। थर्ड कौन सा है? पर्सनल। एंड फोर्थ कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशनल। अब इन बैरियर्स को ओवरकम कैसे करना है? फर्स्ट द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर्स। देखिए लिखना कैसे है, सिर्फ टॉपिक नहीं लिखना, मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स उसके नीचे भी लिखना है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू ओवरकम सच वेरियस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। फर्स्ट, क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेटिंग, यानी कम्युनिकेशन से पहले ही क्लैरिफाई कर दो आइडिया क्या है, ठीक है। सर कम्युनिकेशन शुड टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि आप सामने वाले को समझ के बात करें, ठीक है। आपको पता है कि सामने वाला सेंसिटिव है तो उससे तेज आवाज में नहीं बात करना चाहिए, ठीक है। सो लेवल एंड कैपेबिलिटीज, दिस मस्ट बी एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है उसका एक ही एजेंडा होना चाहिए, जिसको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो अच्छे से इस बात को समझे बिना किसी इफ एंड बट के, ठीक है। बी माइंडफुल ऑफ द मैसेज लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट। जैसे कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करें, भले ही आप उससे गुस्सा है, तब आपको रॉन्ग वर्ड्स, अब्यूजिव लैंग्वेज, हाई टोन ये सब यूज नहीं करना है। The language, tone and content of the information should be appropriately chosen. It should be simple to understand and should not offend anyone else's sensibilities. है ना? Now next, obtain proper feedback. जब भी आप किसी को कुछ बात बता रहे हो उससे बोलिए कि तुम्हें समझ में आया या नहीं, फिर से समझाऊं क्या, दिस इज फीडबैक, ठीक है। सो इन ऑर्डर फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर मस्ट बी ऑब्टेन। इन अदर वर्ड्स, He needs to be encouraged to respond during the conversation. अब मान लीजिए आप किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं, वो ऐसा बैठा हुआ है, उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है ना कुछ, मतलब उसे बात समझ में नहीं आई, सिंपल सी बात है, तो उससे पूछ लो कि आपको समझ में आए या मैं दोबारा से बताऊं। अब अगर उसके एटीट्यूड में है तो फिर वो बैरियर है, पर्सनल बैरियर। नाउ कम्युनिकेट फॉर बोथ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए भी कम्युनिकेट करो, ताकि एम्प्लॉई आपको पता हो कि आगे उसका कंपनी में क्या फ्यूचर है, ठीक है। सो इट मस्ट बी एंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीट इन एवरी वे एंड दैट नथिंग इज लेफ्ट एम्बिगुअस, है ना, हर एक बात उससे कम्युनिकेट करो। अब आते हैं कम्युनिकेट इन अकॉर्डिंग विद द नीड्स ऑफ द रिसीवर। रिसीवर जो चाहता है उसके हिसाब से आप कम्युनिकेशन करो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी अंडरस्टूड बाय बोथ सेंडर एंड द रिसीवर, दैट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। नाउ अच्छे लिसनर बनो, सो बी अ गुड लिसनर, यानी सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी बात काट के खुद की बात मत बोलो, अच्छे से सुनो पहले उसकी बात, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन सेंडर शुड ऑल्सो बी पेशेंट लिसनर, ठीक है। ही शुड ऑल्सो बी ओपन टू कम्युनिकेशन फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं फॉर ओवरकमिंग द प्रॉब्लम। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, डू लेट मी नो अगर कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन डिफरेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। कौन कौन से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हैं जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं? जब एम्प्लॉई को तनख्वाह के ऊपर कुछ मिल जाए, पीएफ मिल जाए, पेंशन मिल जाए, ग्रेच्युटी मिल जाए, घर रहने के लिए घर मिल जाए, कार मिल जाए, ये सारी चीज़ें, पर्क्स, बेनिफिट्स सब किस में आते हैं? फाइनेंशियल में आते हैं, ठीक है। सो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर डायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव्स गिवन टू एम्प्लॉयज टू मोटिवेट देम और रिवॉर्ड देम फॉर बेटर परफॉर्मेंस। क्यों दिए जाते हैं उनको ये पैसे एक्स्ट्रा में तनख्वाह के ऊपर? ताकि वो मोटिवेटेड रहें कुछ। अब
इंसेंटिव्स क्या है, फर्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है। अब बेसिक, ये तो बहुत ही बेसिक है, तनख्वाह, ठीक है। सो द बेसिक फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव इज एनी ऑर्गेनाइजेशन इज सैलरी एंड अलाउंसेस गिवन टू द एम्प्लॉई। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड व्हेन देयर सैलरीज आर रेज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, दे आर गिवन अलाउंसेस। अगर आप तनख्वाह 18 तारीख को दे रहे हो, 20 तारीख को दे रहे हो, एम्प्लॉई बोलेगा कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, हर बार बोलना पड़ रहा है तनख्वाह दे दो, तनख्वाह दे दो, ठीक है, तो वो छोड़ के चले जाएगा। अलाउंस नहीं दोगे। अब एजुकेशन देखिए, मान लीजिए अगर किसी के घर में कोई एम्प्लॉई है, उसके घर में दो बच्चे हैं, ठीक है, तो एजुकेशन अलाउंस आप दे रहे हो उनके बच्चों के लिए, तो ये अलाउंस क्या है, वो सैलरी के साथ आपको मिल रहा है। इंश्योरेंस दे रहे हो आप, है ना, या फिर आप हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हो, ये सब उसके बेनिफिट्स में आएंगे, ठीक है, तो ये आएगा सैलरी एंड अलाउंसेस का पार्ट, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट बेसिक है। नाउ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, यानी जितना ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा तनख्वाह, ठीक है, आपने इतना टारगेट कवर करा तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। सो ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली ऑफर मॉनेटरी रिवॉर्ड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, मतलब कुछ फिक्स सैलरी होती है और फिर जितना काम करोगे उतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। दिस मोटिवेट्स एम्प्लॉई टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। बोनस, बोनस कैसे पे मिलता है, एडिशनल रिवॉर्ड होता है जो एम्प्लॉई को दिया जाता है सैलरी के अलावा, ठीक है। अब यहाँ पे पैसे भी मिल जाते हैं, गिफ्ट मिल जाते हैं, पेड वेकेशन मिलती है या फिर ऐसी चीज़ें। सम ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल ऑफर बोनस ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन सच एज दिवाली बोनस। दिवाली पे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बोनस मिलता ही मिलता है। नाउ नेक्स्ट स्टॉक ऑप्शन। अब एम्प्लॉयज को शेयर्स भी दे दिए जाते हैं कंपनी के ताकि वो टिके रहें। सो अंडर दिस इंसेंटिव स्कीम द एम्प्लॉयज ऑफर्ड कंपनी शेयर्स एट अ लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस, डिस्काउंट पर मिलते हैं शेयर्स। सो दिस इंस्टिल्स द सेंस ऑफ ओनरशिप, उनको लगता है कि वो फ्रैक्शनल ओनर हैं और बिलोंग करते हैं एम्प्लॉय कंपनी में, तभी उनको ये स्टॉक ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। अंधाधुंध अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कुछ एम्प्लॉयज को भी दे देती है पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स विद इट्स एम्प्लॉयज। दिस एनकरेज एम्प्लॉयज टू एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो उन्हें भी हिस्सा मिलेगा। नाउ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे पेंशन, ग्रेचुटी, PF, है ना, ये सब भी एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा सिक्योर और स्टेबल लाइफ मिल सके, ठीक है ना। फ्रिंज बेनिफिट्स, एडिशनल बेनिफिट जैसे हाउसिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इंश्योरेंस, ये सब दिया जाता है, ये सब फ्रिंज बेनिफिट्स में आते हैं, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। सो इन एडिशन टू द बेसिक सैलरी एन ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड इट्स एम्प्लॉयज विथ एडिशनल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सब अलाउंस हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज को। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, यानी जो पैसे में नहीं दिए जाते, जैसे पद ऊंचा हो गया यानी प्रमोशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टर स्टिक्स, वर्क एनरिच हो गया, करियर अपॉर्चुनिटी मिली, जॉब सिक्योरिटी मिली, इन्वॉल्वमेंट मिला, ये सब किस में आता है स्टूडेंट्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आता है। सो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर इंसेंटिव्स विच आर गिवन टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन रैदर देन मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन, ये है आपकी की लाइन, है ना। तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या प्रोवाइड करते हैं, यानी जो पैसे में नहीं है तो आपको क्या मन खुश होगा, आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन एज वेल एज दिमाग में भी आपको ये लगेगा कि यस ऑर्गेनाइजेशन इज गुड। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं इस चीज़ के, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। अब जैसे ही पोजीशन बढ़ती है, एम्प्लॉय की स्टेटस बढ़ता है, जूनियर से सीनियर वो बन जाता है, तो पावर आती है, अथॉरिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिससे एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है, साइकोलॉजिकल बूस्ट, ठीक है। प्रमोशन फॉर एग्जाम्पल में मीट एन इंडिविजुअल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। चलिए नाउ ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एम्प्लॉय फ्रीडम, परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन, इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉय, ठीक है। अगर एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन मिलता है उनके एफर्ट्स के लिए तो उनको ज़्यादा काम करने में अच्छा लगता है। वर्क एनरिचमेंट, अ चैलेंजिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायरिंग मोर नोन नॉलेज एंड स्किल्स ऑफन पाइकेस एन एम्प्लॉयज इंटरेस्ट, इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाता है। जैसे आप एम्प्लॉयज के लिए सेमिनार्स करवा दो, उनके काम को डेवलप करो, उनकी स्किल्स को डेवलप करो, ये वर्क एनरिचमेंट में आता है। नाउ करियर अपॉर्चुनिटीज, आपके एम्प्लॉयज कि कोई पर्टिकुलर पोस्ट पे हैं, आप उन्हें करियर वाइज ग्रोथ प्रोवाइड करो। सो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स इज एम्प्लॉय विद एन एप्रोप्रिएट ग्रोथ एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, दे स्ट्राइव टू परफॉर्म बेटर एंड दस क्लाइम द प्रोफेशनल लैडर। अब जॉब सिक्योरिटी, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सिक्योर फील करवाते हो, ठीक है, एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे क्या होता है, उनको ये डर नहीं लगता कि हमारी नौकरी चले जाएगी, आप
उनका लॉस इंटरेस्ट, उनकी जो जॉब है उसमें इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा, यानी उनको काम करने का मन होगा। अगर आप उन्हें ऐसा फील कराते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ले ऑफ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इंप्लॉयज़ को ऐसा लग रहा है मैं तो कभी भी जा सकता हूँ, जॉब ढूंढना चालू कर देता हूँ, ठीक है। सो जॉब सिक्योरिटी इज़ वन थिंग विच एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड। इन्वॉल्वमेंट, वेन वन ऑर्गेनाइजेशन अलाउज इंप्लॉयज़ टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, इट इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन देम एंड मोटिवेट देम टू वर्क। सो अगर आप इंप्लॉयज़ को इन्वॉल्व करवाते हो डिसीजन मेकिंग में तो उन्हें भी अच्छा लगता है। सो दिस इज ऑल्सो अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको अच्छे से रीड करो देन हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की केस स्टडी को देखते हैं ध्यान से। अब केस स्टडी क्वेश्चंस में आपको बस ब्रेक करना होता है चीज क्या पूछी है, ठीक है। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल एम्प्लॉयज टेक थिंग्स इजी एंड आर फ्री टू अप्रोच एनीवन फॉर माइनर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम। अभी तक तो देख के लग रहा है लेजिस फेयर है पूरा, है ना। दिस हैज रिजल्टेड इन एवरीवन टॉकिंग टू ईच अदर एंड दस रिजल्टिंग इन इनएफिशिएंसी इन द ऑफिस। अब सब आपस में बात कर रहे हैं जिससे सब क्या हो गए इनएफिशिएंट, मतलब काम नहीं हो पा रहा है बस बातें ही हो रही हैं, ठीक है। नाउ इट हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ सीक्रेसी, यानी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी लीक हो रही है, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बींग लीक्ड आउट, ठीक है। सो वॉट सिस्टम डू यू थिंक द मैनेजर शुड अडॉप्ट टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अब मैनेजर ऐसे केस में क्या करे। सो मैनेजर शुड अडॉप्ट अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। जब फ्रीडम दिया, फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाया तो ऑटोक्रेटिक बन जाओ, सिंपल सी बात है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स डिजाइंड इन द ऑर्गेनाइज चार्ट एंड कम्युनिकेट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज। यानी सीईओ को अगर कोई डायरेक्शन देना है तो मैनेजिंग डायरेक्टर को देंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर डिपार्टमेंट मैनेजर को देंगे और डिपार्टमेंट मैनेजर सबऑर्डिनेट को देगा, वो सबऑर्डिनेट मैनेजर फोर मैन को देगा। ये डायरेक्शन आप हायरार्की बना दो तो बेस्ट होगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपस में लोगों को बात करना अलाउड नहीं होगा, तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं होगी एंड सब सही रहेगा। सो हेंस द मैनेजर शुड अधर टू द सिंगल चेन विच इज अ नेटवर्क अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन। दिस नेटवर्क कनेक्ट सुपरवाइजर एंड इज सबऑर्डिनेट बिकॉज देर आर मेनी लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी है बताओ, टॉप मिडिल एंड बॉटम, ठीक है। सो कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू अ सिंगल चेन फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। ओनली असेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी फॉलोड थ्रू, शुड बी पास्ड ऑन थ्रू चेन ऑफ कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स आर नॉट परमिटेड टू कम्युनिकेट विथ वन अनादर। इससे क्या होगा, इंक्रीज होगे काम, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और लीक प्रूफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाएगा, है ना। सो जैसे हमारी कोई टंकी अगर बहने लगती है उसमें पानी रहता है, ठीक है, अगर वो टूट गई नीचे से, जरा सा कुछ होल वोल हो गया, बहने लगी, तो हम क्या लगाते हैं, MCL लगा देते हैं, ठीक है, या फिर न्यू टैंक ले आते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, लीक प्रूफ बन जाएगा वो टैंक, ठीक है। तो सेम अगर हम खिचड़ी पकड़ी गॉसिप नेटवर्क है, ठीक है, तो उसमें हम सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क बना देंगे तो उससे क्या होगा, लीक प्रूफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। सो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में स्टूडेंट्स। आई होप आपको पूरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वीडियोस अच्छे से समझ में आया एंड स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन है सुपर इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है माइन्यूट से माइन्यूट बातों का, बुलेट पॉइंट्स का, कीवर्ड्स का, कीनोट्स का, लाइंस का अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप सभी है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। हम आपको ई नोट्स, ई बुक्स देते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज भी प्रोवाइड होते हैं अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। यूट्यूब चैनल पर आपको सारे वीडियो सिस्टमैटिकली मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करते हैं क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑन दिस चैनल दैट इज़ फॉर CBSE बोर्ड। एंड इसके साथ स्टूडेंट्स हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं हिंदी मीडियम की ऑन अवर सेपरेट चैनल दैट इज़ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, एंड वहाँ पे इन बोर्ड्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड होती हैं, दैट इज़ दीज स्टेट बोर्ड्स, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू वैदिक मैथ्स स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज एज वेल एज एग्जाम के पहले आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड होता है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो अवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।